खराब मौसम होने के कारण केदारनाथ हाली ने पैदल रास्ते पर आपातकालीन लैंडिंग कर दी। जानकारी के अनुसार ट्रांस भारत का हेली श्री केदारनाथ से यात्रियों को लेकर गुप्तकाशी जा रहा था कि अचानक मौसम खराब होने तथा अचानक घना कोहरा लगने के कारण पायलट द्वारा सुरक्षा की दृष्टिगत हेली को वापस श्री केदारनाथ की तरफ करोड़चट्टी में आपातकालीन लैंडिंग करवाई गयी। हेली में बैठे सभी यात्री एवं पायलट सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को शहीद स्थल कचहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भव कार्यक्रम के अंतर्गत एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉ. धन सिंह रावत ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि 17 सितंबर से 9 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 100% आयुष्मान कार्ड बनाने संकल्प है। उन्होंने बताया कि जिस गांव में 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे उस गाँव को आयुष्मान गाँव घोषित कर दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में हम लोग आयुष्मान सभा का आयोजन कर रहे हैं, हर सीसी में, पीसी में, हर ग्राम सभा में, हर वार्ड में। और लक्ष्य यह है कि जहां 100% आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे उसको आयुष्मान गांव घोषित किया जाएगा। दूसरा टारगेट यह है कि जिस गांव या कस्बे में 100% लोगों का टीबी का इलाज हो जाएगा उसको टीबी मुक्त वार्ड और टीबी मुक्त गांव बनाने का टारगेट रखा गया है। अभी तक हमारे राज्य में 61 लाख लोगों ने आवाहटी बना दी और 53 लाख लोगों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड बना दिया। हमारा टारगेट यह है कि 9 नवंबर तक जब राज्य स्थापना दिवस होगा तो 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बन जाए, 100% लोगों की आभाईडी बन जाए। और जो हमारा भगवानपुर हॉस्पिटल है उसकी आज समीक्षा बैठक के लिए मैंने कहा है और यहाँ पे जो भी कमियाँ होंगी उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि हमारी प्राथमिकता सबका साथ सबका विकास की है और हर व्यक्ति की इलाज कैसे ठीक हो उसकी प्राथमिकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। मुख्य कार्यक्रम गांधी चौक पर आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वही सरस्वती शिशु मंदिर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनका जन्म 1869 को हुआ था और जिन्होंने आज़ादी के खिलाफ एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाया और आखिर अंग्रेजों को उसके आगे झुकना पड़ा और भारत देश आज़ाद हुआ, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिन्होंने एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी इन ऊंचाइयों को छुआ, ये हमारे लिए हमारी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमें मात्र एक दिन जयंती मनाकर इतिश्री नहीं करनी चाहिए, वास्तव में इनकी जयंती मना तब सार्थक होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वह लाल बहादुर शास्त्री जी के बताए मार्ग पर चलेंगे। इस अवसर पर मैं इन दोनों महान शख्सियत को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अपने श्रद्धा समर्पित करता हूँ। तभी जब मैं महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर रहा था तो मुझे लगा कि ये मूर्ति काफ़ी पुरानी हो गई है, क्योंकि हम उनको राष्ट्रपिता कहते हैं तो उनकी मूर्ति भी अच्छी होनी चाहिए। इस अवसर पर मैंने घोषणा की है कि यहाँ पर हम शीघ्र ही एक नई मूर्ति जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्थापित करेंगे। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर रिंग रोड देहरादून स्थित सूचना निदेशालय में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। महानिदेशक सूचना ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा का जो मार्ग दिखाया हमें जीवन में उसका अनुसरण कर आगे बढ़ना है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को जय जवान जय किसान का नारा देकर एकजुटता के साथ मजबूती से खड़े होने का संदेश दिया। महात्मा गांधी और शास्त्री जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी है।
गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आज पुलिस मुख्यालय में एक सादे समारोह का आयोजन किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी एवं उपस्थित सभी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा गांधी जी एवं शास्त्री जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए।